हेलो टेंथ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज टेंथ एंड लास्ट पार्ट ऑफ लेसन वन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यदि आपने मेरे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर टेंथ क्लास हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट आर न्यू टॉपिक, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि कैसे जर्मनी और इटली जो हैं वो अब एक नेशन स्टेट बन गए हैं, तो नेशन स्टेट बनने के बाद भी क्या सिचुएशन रही, क्या कंडीशन रही, वो थोड़ा हम यहाँ इस पेज पर डिस्कस करेंगे। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the country, but became a narrow carried with limited ends. तो students, यहाँ बताया जा रहा है कि 19th century के last quarter तक आते आते जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी लोगों के अंदर, जो नेशनलिज्म एक आदर्शवादी के रूप में जो उभर रहा था, वो अब वैसा नहीं रहा था जैसा कि वो फर्स्ट हाफ में था इस सेंचुरी के। अब नेशनलिज्म जो है वो एक सिर्फ क्या बन गया था, एक नैरो कहेंगे कि एक संकीर्ण और लिमिटेड एम वाला एक ग्रुप बन गया था, कि इनकी एक लिमिट आ गई कि इस लिमिट में हम इतना ही करेंगे। During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and even ready to go to war. तो इस टाइम में क्या था स्टूडेंट्स, कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स बने हुए थे वो बढ़ तो रहे थे, लेकिन वो बढ़ने के साथ साथ वो क्या बढ़ रहा था उनके अंदर, कि वो एक दूसरे को, वो ग्रुप्स, नेशनलिस्ट ग्रुप्स आपस में ही एक दूसरे को वो क्या कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, और हर टाइम वो क्या लड़ाई के लिए तैयार रहते थे एक दूसरे के साथ। और किसके साथ, अपने ही ग्रुप्स के साथ, मतलब नेशनलिस्ट के जो लोगों के अलग अलग ग्रुप बने वो आपस में ही। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो यूरोप में जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, जो जैसे कि जर्मनी या इटली या रशिया, उन्होंने भी नेशनलिस्ट इंस्पायरेशन को ही क्या लिया, इनकी जो राष्ट्रवादी जो नीतियाँ थी उनकी हेल्प ली, किस चीज़ में, इम्पीरियलिस्ट करने में। मतलब कि जैसे कि एक नेशन स्टेट बन गया जर्मनी, अब जर्मनी क्या था, जर्मनी चाहता था कि वो अपना एरिया, अपना साम्राज्य, इम्पीरियलिज्म यही होता है कि अपना साम्राज्य बढ़ाना, जो एरिया एक नेशन स्टेट में उनका बन गया उसको क्या करना, और बढ़ाना। तो वो बढ़ाने के लिए अब वो किसकी हेल्प लेने लग गए, राष्ट्रवादी जो भी एम्स थे उनकी जो भावनाएं थी या उनकी जो आशंकाएं थी उनको वो लेने लग गए हेल्प के रूप में। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। तो सबसे जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो एक रीजन रहा वो था यूरोप में 1871 के बाद, एक एरिया था यूरोप का वो था बाल्कन्स। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आप अच्छे से करना, इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अबाउट बाल्कन्स, तो ये क्या है, तो ये एक एरिया था यूरोप का और ये बहुत ही गंभीर टेंशन का विषय था। अब हम देखते हैं कैसे था ये। द बाल्कन्स वाज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। अब ये कह रहे हैं बाल्कन जो था वो ज्योग्राफिकली जो है ना बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एथनिक वेरिएशन में था, कि बहुत सी कम्युनिटी वहाँ रहती थी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर वाली कम्युनिटी, तो वो रहते थे। और ये जो बाल्कन है, अब आज जो है इस बाल्कन का जो रूप है वो अलग अलग देश बने हुए हैं, जैसे कि रोमानिया है, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीक, मैकडोनिया एंड क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, ये सारे अब बाल्कन के ही जगह ये बने हुए हैं।
और हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव, तो बाल्कन एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर, और बाल्कन का एक बड़ा भाग किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स, बाल्कन में जैसे जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ, तो ये आपको याद होगा स्टूडेंट्स, रोमांटिक मतलब जो आर्टिस्ट थे वो अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों में नेशनलिज्म ला रहे थे या अपने गीतों के माध्यम से इस तरीके से। इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, और एक तो रीजन था कि वहाँ रोमांटिक नेशनलिज्म जो शुरू हो गया था, दूसरा कि ओटोमन एम्पायर अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था, तो ये एक बड़ा वहाँ पर एक विस्फोटक कह सकते हैं या एक खतरनाक कंडीशन कह सकते हैं ला रहा था। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्मर्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, और इन सब के कारण जो ओटोमन एम्पायर था उसने कुछ कोशिश की ताकि वो अपनी मजबूती बनाए रखे यहाँ पर, तो उसने क्या किया, उसने मॉडर्नाइजेशन किया, मतलब कोई नई चीज़ें शुरू की, कुछ नए रूल नियम बनाए, कुछ उसने इंटरनल रिफॉर्म्स किए यानी कि अपने ही एरिया के अंदर कुछ सुधार किए, लोगों को कुछ सहूलियत दी होगी, कुछ उनके फ़ायदे के लिए किया होगा सो दैट कि लोग उससे खुश रहे ओटोमन एम्पायर से और वो वहीं पर मजबूत बना रहे, लेकिन उसे इस चीज़ में थोड़ी ही सक्सेस मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, और एक एक करके जो यूरोपियन जो सब्जेक्ट थे या जो नेशनलिस्ट थे जिनके ग्रुप बन गए थे वो अपने आप को क्या करते गए, इंडिपेंडेंस घोषित करते गए कि हम क्या हैं, आज़ाद हैं ओटोमन एम्पायर से। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पोलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड बीन वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड subsequently been subjugated by foreign powers. तो स्टूडेंट्स ये जो बाल्कन पीपल्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, अलग अलग कम्युनिटी थी, वो सब चाहते थे कि उनका अपना एक एरिया अलग हो, वो इंडिपेंडेंट रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आज़ादी को एक अपना हथियार बनाया कि हमें आज़ाद होना है, हमें राजनीतिक राइट्स चाहिए, और इसकी वजह और इसके लिए वो अपनी हिस्ट्री का उदाहरण देते थे, जैसे कि हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते थे, वो कहते थे कि हम पहले आज़ाद थे, हम स्वतंत्र थे, लेकिन हमारे ऊपर किसी यूरोपियन ने आकर क्या कर लिया, जैसे कि ओटोमन एम्पायर ने अपना कंट्रोल कर लिया, हमें अब फिर से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, और इन जो जितने भी फॉरेन पावर्स हैं इनसे हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। हिंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी जो रिबेलियस थे यानी कि जो ये कर रहे थे कि जो नेशनलिज्म थे और वो अब इंडिपेंडेंस होना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो स्ट्रगल था वो अपनी इंडिपेंडेंस के नाम पर किया कि हमें अब क्या चाहिए, जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस की जो हमने क्या किया है, जो आज़ादी खो दी है, अब हम उसे एक लंबे स्ट्रगल के साथ क्या करेंगे, वापिस लाएँगे। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. तो जैसे जैसे अलग अलग जो स्लाविक थे, स्लाविक नेशनलिस्ट थे, स्लाविक मतलब जो बाल्कन एरिया में जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें स्लाव कहा जाता था, तो ये स्लाविक वही है, तो वो जो अलग अलग कम्युनिटी के थे जो जब वो अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अपनी पहचान और आज़ादी को बनाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, जो बाल्कन एरिया था वो अब क्या बन गया था, एक लड़ाई वाला एरिया बन गया था।
क्योंकि अब क्या था कि हर कम्युनिटी क्या चाहती थी कि उनका एरिया बढ़े, और वो कैसे बढ़ सकते हैं जब वो दूसरी कम्युनिटी का एरिया अपने अंडर में करेंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, वो बढ़ रहा था। द बाल्कन स्टेट्स वर फेरियसली जेलियस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। तो बाल्कन स्टेट्स जो था, अब वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग गई, और हर कम्युनिटी चाहती थी कि उनका एरिया दूसरे से क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन आल्सो बिकेम द सेंस सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो जो ये मैटर था वो अब और भी ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बाल्कन भी अब क्या करने लग गया, बाल्कन की जो बड़ी पावर थी जैसे ओटोमन एम्पायर, वो भी अब अपनी जो पावर थी वो क्या करने लगे, दूसरी जो कम्युनिटी थी या जो दूसरे जो बड़ी जो जैसे कि जर्मनी है, इटली है, इनके साथ अपना एक अपने आप को एक कॉम्पिटिटर के रूप में वो देखने लग गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वाज इंटेंस राइवलरी अमोंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और इसी टाइम के दौरान जो यूरोपीय पावर्स थी जैसे कि रशिया, जर्मनी या इंग्लैंड, उनके बीच या जो ट्रेड था या जो और जो कॉलोनीज थी उनके साथ जो आर्मी को लेकर या अपनी नौसेना को बढ़ाने के लिए ये एक कंपटीशन सा इनके बीच शुरू हो गया कि किसके पास ज़्यादा सेना है, कौन कितने ज़्यादा वेपन्स रख सकता है। तो ये वो है, दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. तो जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ा, बाल्कन जो है उसकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ गई, और जैसे कि यहाँ बात हो रही है रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी अब क्या करने लग गए थे, ये भी अब बाल्कन के जो एरिया पर अपना अपना कंट्रोल करना चाहते थे कि बाल्कन का ज़्यादा एरिया हमारे अंडर में आ जाए। जैसे रशिया भी चाहता था, जर्मनी भी चाहता था, इंग्लैंड भी, मतलब इनका यही मानना था कि बाल्कन में जो एक तो पहले से ही फूट हो रही है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपना एक आज़ादी से वो रहना चाहते हैं, और दूसरा ये उसी फूट का, क्योंकि वो आपस में भी लड़ रहे थे, उसी फूट का ये भी फ़ायदा उठाना चाहते थे कि उनका एरिया इनके अंडर में आ जाए, जिससे कि इनकी पावर भी बढ़ जाएगी और इनका ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़ जाएगा। दिस लेड टू ए सीरियस सॉरी ये सीरीज है दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरीके से क्या हुआ स्टूडेंट्स की कई युद्ध हुए और फाइनली लास्ट में एक बड़ा युद्ध हुआ जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का एक मेजर रीजन जो है वो बाल्कन भी रहा है। तो और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और बहुत देशों के बीच ये लड़ाई चली थी और इससे बहुत लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म। अब क्या था, नेशनलिज्म जो है जुड़ गया था किसके साथ, साम्राज्यवाद के साथ। मतलब कि नेशनलिज्म था कि हमें नेशन स्टेट चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अब क्या हुआ कि लोगों के अंदर फीलिंग आ गई कि एरिया भी, कि हमारा क्या होना चाहिए, एरिया भी बढ़ जाना चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगा जब वो किसी दूसरे के एरिया में अपना कंट्रोल करेंगे। तो ये वही बता रहा है। और ये जुड़ने के साथ लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और इन यही रीजन रहा कि जिससे कि यूरोप जो है वो, यूरोप के अंदर एक बड़ी डिजास्टर हुई, बड़ा ही कहेंगे कि एक महाविपदा यूरोप में आई। और वो कब आई, वो 1914 में, और 1914 मतलब ये वो साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एक बड़ी डिजास्टर के रूप में यूरोप में आया। बट मेन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपेरियल डोमिनेशन। और इसी टाइम जो काफ़ी कंट्री जो क्या थी, विश्व में काफ़ी कंट्री कॉलोनाइज थी, यानी औपनिवेशीकरण में जो फंसी हुई थी, जैसे कि हमारा इंडिया भी, जैसे ब्रिटिशर्स आए हुए थे यहाँ, मतलब जो यूरोप की साइड से जो देश जो पावर थी उन्होंने जब किसी दूसरे देश पर कंट्रोल किया, वो कॉलोनाइज टाइम था। तो उस टाइम जो थे
वो अब साम्राज्यवाद का विरोध करने लग गए. द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एंड वर इंस्पायर्ड बाय ए सेंस ऑफ कोलेक्टिव नेशनल यूनिटी फॉर इन कॉन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म. तो हर तरफ जो है एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हो गए, मतलब कि साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए. और उनका कहना था कि जो नेशनलिस्ट थे वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें क्या मिले, एक फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की, एक आज़ादी से मिला हुआ एक नेशन स्टेट होना चाहिए. एंड वर इंस्पायर्ड, और वो इंस्पायर्ड थे किससे, एक कोलेक्टिव नेशनल यूनिटी से. और वो क्या थी कि सबकी एक यूनिटी बने, सबको सेम आइडेंटिटी मिले. और इसके साथ साथ ये जो थी वो एक साम्राज्यवादी विरोध के रूप में ये चीज़ें उभरी. एंड यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ हेयर रिप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गनाइज इन टू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्ट एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. तो जो यूरोप में जो नेशनलिज्म के आइडियाज थे स्टूडेंट्स, वो कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों की क्या थे, अपने खुद के आइडियाज थे कि उन्होंने कैसे नेशनलिज्म को फॉलो करना है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए या उन्हें इंडिपेंडेंट चाहिए. तो वो उनका अपना था. और लेकिन एक आइडिया कि जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, किससे, एक नेशन स्टेट से, कि एक ही नेशन स्टेट से बनी हुई एक सोसाइटी होनी चाहिए. ये जो था, ये आइडिया जो था, ये पूरा ही क्या था, स्वाभाविक और यूनिवर्सल था, मतलब सार्वभौम था, मतलब सभी लोग चाहते थे, सभी देशों के लोग की क्या होने चाहिए, उनके देश क्या होने चाहिए, नेशन स्टेट्स होने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट लेसन कम्प्लीट हो रहा है. और इसमें हमने देखा कि कैसे क्या कंडीशन रही, कि जो हमारे जो अब जो हम नाम लेते हैं बड़े बड़े देशों का, वो कैसे बने, वहाँ क्या सिचुएशन रही लोगों के बीच. और ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, मैंने साथ के साथ बताए भी हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप सब उनको लर्न कर लेना अच्छे से. एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा. मैंने इसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए हैं और ताकि आपको एक इजी वे में मैं आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर करा सकूं. तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया, प्लीज़ आप अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.